हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इमरजन। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अपने सेक्टर के अंदर टॉप फाइव के अंदर आते हैं और लॉन्ग टर्म का अगर आप नजरिया रखते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं ये तीन स्टॉक्स, और अभी काफी अच्छे लेवल पर चल रहे हैं ये स्टॉक्स। और अगर नीचे आता है तो आप लीजिएगा, इनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। तो ये जो स्टॉक्स है इंश्योरेंस सेक्टर से है। जो सबसे पहला स्टॉक्स देखेंगे तो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है, जो 425 के ऊपर चल रहा है। इसका IPO हाल ही का है और इसका अगर आप देखेंगे तो हाई 547 का मारा था और 307 का इसका लो था, तो हाई से नीचे आया है। जो केरला में फ्लड्स आए थे उसके वजह से भी इनको क्लेम्स आएंगे, तो वो भी एक प्रेशर आप देख सकते हैं। लेकिन गिरावट के अंदर इन स्टॉक्स को अगर आप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है काफी अच्छा, इनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है इस सेक्टर की लगभग 20-30% CAGR से ग्रो कर रही है और इंश्योरेंस के प्रति लोगों के अंदर काफी जागरूकता भी बढ़ रही है। और आगे जाके ये जो इंश्योरेंस है ये हर एक व्यक्ति के पास होगा और काफी मीन्स इंश्योरेंस के अंदर पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है, काफी लोग ले रहे हैं। पहले टर्म इंश्योरेंस लोग लेते नहीं थे, लेकिन अब टर्म इंश्योरेंस भी लेने लगे हैं, कैंसर केयर प्रोडक्ट भी लेने लगे हैं, तो काफी मीन्स अच्छा सिग्नल है इसके प्रति। तो लॉन्ग टर्म का अगर आप नजरिया रखते हैं तो लोअर लेवल्स पे थोड़े थोड़े स्टॉक्स अपने सेक्टर के टॉप फाइव कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पहला स्टॉक है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो काफी बढ़िया मार्केट कैप है और फंडामेंटली भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है HDFC। 85,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, डिविडेंड भी इसने लगभग 13.60% का दिया था। और दूसरी जो कंपनी है आप देख सकते हैं ICICI प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसने भी 462 का हाई बनाया और 347 का इसका लो है। लोअर लेवल से ये ऊपर आया है 372 के करीब, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। इससे नीचे अगर आता है तो नीचे भी लीजिएगा, लेकिन काफी बढ़िया कंपनी है ICICI प्रुडेंशियल भी, काफी अच्छी ग्रोथ रेट रहती है कंपनी की। और इसका अगर आप देखेंगे तो लो हाल ही का है जुलाई महीने का, तो लोअर लेवल पे भी जिसने ले रखा है तो काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स रह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, आप अपना रिसर्च जरूर करिएगा, आप अपने रेट पर लीजिएगा और अगर नीचे लगता है तो नीचे लीजिएगा, लेकिन इन स्टॉक्स को आप काफी अच्छा ऑन एन ईयरली बेसिस पे ग्रो करता हुआ देख सकते हैं। इसका भी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 53,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, ये भी टॉप फाइव के अंदर आती है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। और थर्ड कंपनी अगर आप देखेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का आपने नाम सुना ही होगा, तो यही कंपनी है मैनेज करती है, ये होल्डिंग कंपनी है, 458 के ऊपर चल रहा है, इसका लो देखेंगे तो 403 का है और हाई 652 का, तो काफी नीचे आया है हाई लेवल से, तो ये भी एक अच्छा बेट हो सकता है और ये टॉप फाइव के अंदर आती है ये भी कंपनी। तो ये तीनों जो कंपनी है टॉप फाइव की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो लोअर लेवल्स के ऊपर थोड़े थोड़े स्टॉक्स अगर आप लेते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से और नीचे आता है तो और लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से काफी बेहतर स्टॉक है और आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी दे सकते हैं। जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है नजदीक आता है तो इन स्टॉक्स के अंदर भी मूवमेंट बढ़ सकती है, काफी लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान निकालते हैं जिससे इनको इनकम टैक्स में फायदा हो। तो आप देख सकते हैं आने वाले जनवरी से मार्च के बीच में ये फिर बढ़ेंगे, तो अभी से लोअर लेवल्स पे अगर आप लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी बढ़िया मीन्स सेक्टर है जो आने वाले समय में ग्रो करेगा, तो आपको ऐसे ही सेक्टर और ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना है ताकि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट हो सके।
तो आज इन्हीं तीन स्टॉक्स के बारे में बताना था। और ये राकेश झुंझुन वाले के पोर्टफोलियो में भी है, दो स्टॉक्स एचडीएफसी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, आप देख सकते हैं उनका पोर्टफोलियो भी, और काफी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी इन स्टॉक्स को ले रखा है, आप इजिली चेक कर सकते हैं बीएससी की वेबसाइट पे भी जाकर। तो आप इस पर गौर जरूर करिएगा इन स्टॉक्स के ऊपर, और लोअर लेवल्स पे लेने की कोशिश करिएगा ताकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।